नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जमीन के मालिक रमेश सोन केसरिया ने बताया कि उनकी 5,400 वर्ग फुट जमीन ग्राम पिंडरई में है, जिसमें भूमाफिया चरणजीत सिंह द्वारा 2017 में फर्जी दस्तावेज लगाकर न्यायालय में केस लगाया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने रमेश सोन केसरिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें कब्जा दिया था, जिसके बाद चरणजीत सिंह द्वारा आज तक उसे कब्जा नहीं दिया गया और धमकाया जा रहा है। आज जब राजस्व विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तो जमीन मालिक रमेश सोन केसरिया को चरणजीत सिंह द्वारा जमीन में नहीं जाने दिया गया और धमकाया गया है। जमीन मालिक का कहना है कि 2017 में चरणजीत सिंह द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन में अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसमें लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फैसला उनके पक्ष में दिया है, जिसके बाद भी चरणजीत सिंह द्वारा अवैध रूप से अभी तक कब्जा किया गया है और उन्हें धमकी दी जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में ये सारा खेल चलता रहा, पर पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी रही। वहीं पूरे मामले में आरआई का कहना है कि गोरखपुर एसडीएम के आदेश पर सीमांकन करने के लिए उनकी टीम आई थी और बाकी की जानकारी गोरखपुर तहसील से मिलेगी। 145/1 खसरा, जिसमें मेरा पहला सीमांकन हो चुका था, चरणजीत ने कब्जा किया, कब्जा करके कोर्ट में केस कर दिया है ना, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के वो खींच रहा है केस, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, गुंडागर्दी बता रहा, सीमांकन हो रहा है लेकिन पुलिस और पटवारी आ रही है लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं। कहाँ पर है ये जगह? जो जगह है पिंडरई में। कहाँ पर? पिंडरई तेवर थाना भेड़ाघाट। कितनी होगी जगह? ये जगह 54 स्क्वायर फीट है। अभी पुलिस और आरआई वगैरह आए थे क्या? हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर नहीं जाने दिया, पटवारी और पुलिस और आरआई गया और सीमांकन किया, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। कब से चल रहा है ये मामला? 2017 से चल रहा है। कोर्ट में भी लगाया था आपने? कोर्ट में लगाया, अपन हाई कोर्ट तक जीते, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। ले गुंडा कर दिए, सफ़ेद पोज है, बाहुबली है, सबको खरीद सकते हैं। अभी भी अब विवाद की स्थिति बनी थी, मुझे अंदर नहीं जान दिए क्या, बाहुबली है, सफ़ेद पोज है, माफिया है जी। देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान इस समय कह रहे हैं कि जो कोई कब्जा करे, लेकिन जब माफिया इनके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर रहा, यही बीजेपी से मिले हुए हैं। आप कहाँ रहते, क्या नाम है? गोरखपुर में रहता हूँ। क्या नाम? रमेश सोन केसरिया। सक्षम न्यायालय से आप ले लीजिए जानकारी। नहीं, थोड़ा आप किस लिए आए थे मौके पर, क्या जानकारी लगी थी आपको? न्यायालय तहसीलदार महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार सीमांकन हेतु आया था। क्या मामला है, किसके नाम की? इससे आगे की जानकारी न्यायालय से ली जाएगी।